और अब बात करेंगे स्वात के बुलंदो बाला पहाड़ों की, जिनने एक खूबसूरत झील को छुपा रखा है। जी हाँ, यहाँ पहुंच जाने वाले कुदरती हुस्न देखकर हैरान हो जाते हैं। इस शाहकार की सैर करा रहे हैं शेरिन ज़ादा। स्वात के चप्पे चप्पे पर कुदरती हुसन के नजारे बिखरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ एक हसीन और दिलकश मुकाम ऐसा भी है जहाँ पहुँच कर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। ये है खड़खड़ाई झील, जो कालाम से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर 12,000 फीट की बुलंदी पर वाकया है। इधर जरूर आए, बहुत अच्छी जगह, ऐसा लगता है आप जन्नत में जा रहे हैं। खड़खड़ाई झील में हर तरफ नीला पानी और सुकून ही सुकून है। तकरीबन 2 किलोमीटर के रकबे पर पहले ये झील पहाड़ों के दामन में वाकया है, जिसके चारों तरफ पैदल रास्ता भी बना हुआ है। रोड बनाने से यहाँ पे बहुत मुश्किल से फैमिलीज के लिए एटलीस्ट यहाँ पे ना टूरिस्ट बहुत होगा। जीप का सफर खत्म होने के बाद पैदल सफर शुरू हो जाता है, जो तकरीबन 4 किलोमीटर बनता है। रास्ते में जगह जगह ग्लेशियर सैयाहों का इस्तकबाल करते हैं। खड़खड़ाई झील पहुँच कर यूँ लगता है जैसे जन्नत में दाखिल हो। अगर यहाँ की सड़कों पर थोड़ी बहुत तवज्जो दी जाए तो ये इलाका भी सैयाहों का पसंदीदा मुकाम बन सकती है। शेरिन ज़ादा, एक्सप्रेस न्यूज, खड़खड़ाई झील, स्वात। स्वात की सैर आपने कर ली, अभी आपको सिंध से अहम खबर देते हैं।